हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सभी का केबी कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे पूरा टीम आपके साथ खड़ा रहेगा। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना का कहर पूरे विश्व पे छाया हुआ है और इसका बुरा असर हर क्षेत्र पे पड़ा है, और सबसे ज़्यादा बुरा असर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम पर ही पड़ा है, क्योंकि लगभग लगभग सारी चीज़ों को ओपन कर दिया गया है बट अभी भी शिक्षा प्रणाली को वैसे ही का वैसे छोड़ दिया गया है और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और सरकार का निर्णय है कि 15 अगस्त के बाद ही इस पर कुछ विचार किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि बहुत जल्द यानी सितंबर से ही आपका एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, वो आपका शुरू हो जाएगा। और इस बीच में अगर आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने जॉब से और अपने सपनों से पीछे रह जाएंगे। इसी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों का सबसे पहले एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन बैच इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे से टच में नहीं हैं। इससे जो भी कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं या तो भूल गए होंगे या वो हमारे मेमोरी से थोड़ा बाहर चला गया होगा, या ये कह सकते हैं कि एक बार उसको रिकॉल कर लेंगे। रिकॉल करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमने लगेगा, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको मैथ का वीडियो दे, और मैथ का बारीकी से छोटा से छोटा वीडियो करके और बड़ा से बड़ा जो आपका सेक्शन है या चैप्टर कह सकते हैं उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। और इस रिवीजन बैच में आप विश्वास रखिए, आपको जो सर्विस हम लोगों ने ऑफलाइन में दिया था उससे भी बेहतर सर्विस हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देंगे, और सारे सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, मैथ हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, जीके जीएस करंट अफेयर्स, यहाँ तक कि आपका ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग पहले एक बार ऑनलाइन के माध्यम से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग मैथ को कैसे बांट करके पढ़ेंगे और कैसे उसको रिविज़न करेंगे। और रिविज़न के साथ साथ उसमें कुछ चीज़ें अगर छूटी भी होगी आप लोगों का, जैसे क्लास में कुछ क्वेश्चन अगर हम कम भी कराए होंगे, तो कोशिश करेंगे कि उस चीज़ों को आप लोग अगर मतलब डिमांड करे तो उस चीज़ को ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिया जा सके। तो चलिए हम पहले सबसे पहले आपको मैथ का एक सेक्शनली करके कैसे पढ़ना है ये समझाते हैं। अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ बहुत ही आसान सा सेक्शन है, और मैथ ऐसा चीज़ है कि आप जनरल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक का करें, एसएससी का करें, रेलवे का करें, या कोई भी बिहार एसएससी का करें, या यूपी एसएससी का करें, या हरियाणा एसएससी करें, आप इस मैथ के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है। बैंक में बात करें तो आपको बैंक में ये 35 PT में और 40 से 50 क्वेश्चन आपको मेंस में रहते हैं। एसएससी की बात करें तो पीटी में आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, और मेंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में, और एलडीसी में बात करें तो 25 क्वेश्चन रहते हैं। या बिहार एसएससी की बात करें, कोई भी सेक्शन को ले ले तो ये मैथ बहुत ही शानदार सा चैप्टर है जो आपको हर एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, और इसके बगैर आप कहीं नहीं चल सकते हैं। और मैथ की सिंपली बात करें तो ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट को दिखाता है, क्लियर कॉन्सेप्ट को। जैसे अगर हम बात करें कि 4, 9 और +4 क्या होगा, तो 13 होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग मैथ को देखते हैं। मैथ को हम लोग दो सेक्शन में बांटते हैं। सबसे पहले मैथ की बात करें तो एक हो गया अर्थमेटिक, और दूसरा सेक्शन की हम बात करें तो एडवांस मैथ। दूसरा सेक्शन की बात करें तो एडवांस मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। एसएससी में ये दोनों रहेगा तब जाकर के आप एसएससी में आपका बेरा पार होगा, यानी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस पे अच्छी पकड़ रहेगी तभी आप एसएससी का जॉब ले सकते हैं, अन्यथा आपको एसएससी का सपना भूल जाना पड़ेगा।
बैंक की बात करें तो आप लगभग लगभग अर्थमेटिक पे पकड़ बना लिए तो बैंक में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं और एडवांस से बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहता है जो इजी रहते हैं, उसको नॉर्मली हम लोग सीख सकते हैं। और इन दोनों को अगर देखें तो कैलकुलेशन एक ऐसा चीज़ है जो दोनों को जोड़ के रखता है और दोनों में इसका रोल होता है। अब कैसे कहेंगे दोनों में कैसे रोल होता है, अगर हम कहें कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को 10 दिनों में करता है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी यानी 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 20 आएगा, 20 एकम 20, 10 दूना 20 यानी 20 काम 20/3। अब ये चीज़ें जो हमने किया ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बट अगर इसे गुना भाग करना है ये क्या हुआ, कैलकुलेशन हो गया। वैसे ही एडवांस की बात करें तो एडवांस में बहुत सा चैप्टर है, अर्थ ये आपका अल्जेब्रा ले ले, ट्रिगोमेट्री ले ले, जियोमेट्री ले ले, तो यहाँ मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं बट उसमें भी कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको एक बार कैलकुलेशन का रिवीजन करना, कैलकुलेशन का रिवीजन करना जैसे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे कहेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो छोटा छोटा चीज़ को भी हम लोग बारीकी से लेकर के चलेंगे और छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग देख करके उसको पहले सीखेंगे और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोशिश हमारी रहेगी कि मैथ जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले अर्थमेटिक को स्टार्ट कर दें और कुछ ही दिनों बाद हम एडवांस का भी कुछ चैप्टर लेकर के आएंगे और दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, ताकि बैंक वाले को भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो और ना ही एसएससी वाले को दिक्कत हो और रेलवे वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रेलवे में भी थोड़ा थोड़ा इजी क्वेश्चन दोनों से रहता ही रहता है। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो उसमें भी दोनों से क्वेश्चन रहता ही रहता है, बस एक बैंक ही ऐसा सेक्शन है जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक का होता है। और जब हम लोग क्लास करेंगे तो हर चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि बैंक में क्वेश्चन किस किस चैप्टर से कैसे कैसे पूछते हैं, एसएससी में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं। और देखिए पढ़ने के लिए मैथ तो काफ़ी है बट हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारा एक अच्छा और बेहतर रिजल्ट बना सके, और कोशिश रहेगी कि जितना बेहतर से बेहतर हो पाए। देखिए अभी हम लोगों का 3-4 महीने से यानी मार्च अप्रैल मई और जून चल रहा है, 4 महीनों से प्रैक्टिस मेरा भी छूटा हुआ है, आपका भी छूटा हुआ है, हम लोग काफ़ी दिनों से हम भी वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर से हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे और अच्छे से एकदम बेहतर तरीके से फिर से करना स्टार्ट करेंगे, बट सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम लोगों को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। और ऑब्वियसली क्यों आना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर इंस्टीट्यूट अपने आप को ऑनलाइन में लेकर के आ चुकी है, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इसमें 2-4 महीने से कहने का सेंस ये है कि प्रैक्टिस छूटा हुआ है, तो थोड़ी बहुत मतलब ऊपर नीचे होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा, थोड़ा सा अप होगा। कारण ये भी है कि 4 महीने से घर पर बैठे बैठे थोड़ा सा माइंड डिफ्रेस हो ही जाता है। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत जो डिप्रेशन के कारण अपना सुसाइड कर लिए हैं, तो खैर वैसा नौबत अभी नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं बिल्कुल, बस थोड़ी सी अप एंड डाउन लाइफ में चल रहा है, क्योंकि अब एक एक बार एक ही बार में अचानक से मोदी जी आते हैं अनाउंस कर देते हैं कि नहीं पूरा देश लॉकडाउन, तो ऐसे में जो लोग जुड़े हुए हैं अपने व्यवसाय से तो उन पर थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट जो भी हो जैसे भी हो निकलना तो है हम लोगों को, और कोशिश रहेगी कि निकलेंगे और बहुत जल्द आपके साथ स्क्वायर का कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। बस अभी ज़्यादा लेकर के नहीं आएंगे, छोटा छोटा ही वीडियो लेकर के आएंगे, स्क्वायर का 1-2 वीडियो लेकर के आएंगे, उसके बाद क्यूब का वीडियो लेकर के आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के वीडियो लेकर के आएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने मैथ को बेहतर करेंगे। वैसे ही आप लोगों को रजनी वाले सर आएंगे, एक बेहतर तरीके से आपको मैप दे करके जाएंगे कि पढ़ना कैसे है और किस तरह से सही करना है। चलिए तब तक लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं, और मतलब कहने के सेंस कि फिर कल आएंगे और कल क्लास आप लोगों का कुछ ना कुछ बताएंगे, और तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे और इस चैनल को अपने दोस्तों में जितने भी लोग जो क्लास कर रहे थे, लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट हैं, उन सबको कोशिश करना है कि सबके पास ये मैसेज पहुँच जाए कि हाँ अब आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने वाली है और आगे आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हम लोग बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों से कि इस बार आप लोग
पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब की क्या अहमियत है। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें दो ही व्यक्ति अच्छा से ज़िंदगी जी रहा है, या तो सरकारी नौकरी करने वाला या तरकारी बेचने वाला, तरकारी मतलब सब्जी बेचने वाला हो या किराना का दुकान हो, यही लोग सर्वाइव अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको भी पता चल गया होगा कि सरकारी नौकरी का क्या वैल्यू है और इसका फ्यूचर में क्या अहमियत रहेगा। तो जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे एक ही आग्रह है कि जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे चैनल पे ही पढ़ रहे हैं, अब जहां भी आपको अच्छा लगे पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश ये करना है कि लगन से मन से पढ़ाई को करना है और कहीं पीछे नहीं हटना है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोच के रखे रहते हैं। बस आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जितना जल्दी जल्दी हो सके अपने जॉब को पाएं और अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को बांटें, यही हमारी कामना रहेगी। तब तक के लिए चलिए अलविदा आपसे, और फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।